स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो हम ये देखते हैं कि फ्लैट पैनल नाम के अकॉर्डिंग ऐसी डिवाइस जो कि वेट में हल्की होगी, बड़ी भी हो सकती है और चिपटी होगी, सीआरटी की तरह कोई पिछली साइड में कुछ भी ऐसे डिवाइस नहीं लगेगी जिससे वो काफ़ी भारी लगे। एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि स्मार्ट टीवी, मॉनिटर, कैलकुलेटर, पॉकेट, वीडियो गेम्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह से एग्जांपल हम दे सकते हैं इस चीज़ का। बेसिकली फ्लैट पैनल डिवाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इमेसिव डिस्प्ले एंड नॉन इमेसिव डिस्प्ले। इमेसिव डिस्प्ले उस डिवाइस को कहा गया जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज किया जा रहा है, और इसके एग्जांपल्स कहे जाएंगे प्लाज्मा पैनल्स एंड एलईडी। नॉन इमिसिव डिस्प्ले में ये माना गया कि किसी भी सोर्स से अगर लाइट एनर्जी ली जा रही है तो उसे क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करना है। इसका एग्जांपल है एलसीडी। अब हम जरा वन बाय वन इन सब का हम डिस्कशन करेंगे। ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली स्टैटिक पिक्चर के लिए ज़्यादा बेहतर है और ये किसी भी इमेज को रिटेन बनाए रखता है और इसमें फ्लिकरिंग नहीं होती है, और होने को ये डायनेमिक व्यू को भी शो करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कैथोड प्लेट्स, ये जो लगी हुई हैं ये वर्टिकल डायरेक्शंस में ये शो कर रहा है। एनोड प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कर रहा है। और ये जो बीच में शो कर रहा है ये है इलेक्ट्रोफ्लोरेसेंट मटेरियल्स। फिर इस साइड में इसके पास में ही शो कर रहा है ग्लास प्लेट, जहाँ पर कोई भी इमेज शो करेगी। तो इसकी वर्किंग बताने जा रहा हूँ, जब भी कोई लाइट ऑफ है तो ऑफ के केस में क्या होता है कि सेल ऑफ माना जाता है, यानी कि कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है और इस केस में स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं करेगा। और जब सेल ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के साथ साथ ये कैथोड प्लेट एंड एनोड प्लेट रेस्पेक्टिवली बीटा रेस और अल्फा रेस को सेंड करेगी, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही कैथोड रेज पॉजिटिव वोल्ट को भेजेगी, नेगेटिव वोल्ट को भेजेगी, और एनोड रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करेगी, यानी पॉजिटिव वोल्टेज भेजेगी। यही दोनों वोल्टेज फिर इलेक्ट्रोफ्लोरेसेंट मटेरियल्स के पास से टकराएंगे, और इसमें क्या कौन से मटेरियल होगा, इसमें मटेरियल होता है गैस, जिसे नियोन गैस से भी जाना जाता है। जब ये वोल्टेज नियोन गैस पर इम्प्लाइड करते हैं तो वहाँ पर इमुलेशंस स्टार्ट होता है और एक ग्लो करता है, और यही ग्लो स्क्रीन पर शो करता है, जिससे कहा जाता है कि कोई ना कोई स्टैटिक पिक्चर या डायनेमिक पिक्चर प्रॉपर्ली शो हो जाती है। कहने को प्लाज्मा डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से किसी भी इमेज को शो करने के लिए काम में आता है, और इसका कम वोल्टेज में भी काम कर सकता है। जैसे कि हम इसके एडवांटेज की बात करें तो हाई रिजोल्यूशन इसका रहता है, लार्ज स्क्रीन साइज़ भी इसमें मिल जाती है, कम वॉल्यूम में अपना काम कर लेता है, वेट में ये कम होता है, और फ्लिकर किसी भी तरीके से नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये स्टैटिक इमेज को ज़्यादा सपोर्ट करता है और डायनेमिक व्यू भी काम में आ सकता है। डिसएडवांटेज की तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम डायनेमिक व्यू का शो करेंगे तो रिजोल्यूशन इसका पुअर रहेगा, और वायरिंग जो एनोड और कैथोड में की जाती है जहाँ से वोल्टेज निकलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, और एड्रेसिंग करना भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि अगर डायनेमिक व्यू की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। जब हम बात करेंगे एलईडी की, जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा इन्हेंसमेंट है कि प्लाज्मा डिस्प्ले को थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया गया जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, जैसे कि चाहे वो एलईडी स्क्रीन हो टीवी के लिए यूज़ किया जाए, चाहे वो एलईडी स्क्रीन हो चाहे वो मॉनिटर के लिए यूज़ किया जाए,
मोबाइल में भी एलईडी का ही इस्तेमाल होता है, जहां पर हम एचडी या एचडी प्लस टेक्नोलॉजी का व्यू देख लेते हैं। तो एलईडी क्या है, एक तरह से प्लाज्मा डिस्प्ले को ही शो करता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है, डायग्राम के बेसिस पर मैं बता दूँ, यहाँ पर फ़र्क इतना है कि प्लाज्मा डिस्प्ले की जगह पर यहाँ पर स्क्रीन, इस जगह पर जहाँ पर ये इलेक्ट्रोफ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये गैसेस स्टोर होंगे, और स्क्रीन तो खैर वही होगी, एलईडी की स्क्रीन बन जाएगी, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा, और यही वोल्टेज यहाँ पर जाने के बाद फिर मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वही इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाएगी, इसमें अंतर इतना नहीं होगा, बाकी सब कुछ प्लाज्मा डिस्प्ले की तरह ही होगा। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, दोनों ही टाइप के व्यूज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से शो करता है, कि यूज़र चाहे लेफ्ट से देखे या राइट से देखे आसानी से व्यू को देख सकता है, और कहीं पर भी फ्लिकर नहीं करता। प्लाज्मा डिस्प्ले से पहले एलसीडी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, इस्तेमाल भी इस वक्त हो भी रहा है। तो सबसे पहले ये नॉन इमिसिव डिवाइस ही आई थी, जिसे हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसका हमने बताया था कि लाइट जो है, लाइट की जो एनर्जी है वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होती है, और लिक्विड क्रिस्टल नाम से ही जाहिर है कि अगर हम स्क्रीन पर अगर फिंगर लगाएं तो पानी की तरह, लिक्विड की तरह लगता है कि लिक्विड चल रहा है। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलसीडी स्क्रीन। ये वर्क कैसे करता है इसको जरा हमें देखना है, कि पहले हम देख लेते हैं कि ऑन स्टेट में ये काम कैसे करता है। सपोज़ करिए कि लाइट, पहले हम ऑफ स्टेट में देख लेते हैं, जब सेल ऑफ है और कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि पोलराइजर का इस्तेमाल होगा, दो पोलराइजर लगे होंगे, ये पोलराइजर प्लेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ट्रांसपेरेंट कंडक्टर भी दो ही होंगे, ये इनके साथ लगे होंगे, ये भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही स्टोर होंगे, और दीज आर दी क्रिस्टल्स, क्रिस्टल यानी लिक्विड क्रिस्टल्स इज लाइज बिटवीन दीज पोलराइजर प्लेट, यह हम कह सकते हैं कि दीज कंडक्टर्स। क्लियर हो गया। जब वोल्टेज ऑफ है तो उस दौरान ये आप देख रहे हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, निमेटिक क्रिस्टल्स जिसे कह सकते हैं, ये बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, यानी कि ना तो इनको कोई वोल्टेज मिल रहा है और ना ही इनमें किसी तरह से मूवमेंट है, इसलिए स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन जब ये ऑन स्टेट में आते हैं या वोल्टेज प्रोवाइड होता है, तो पोलराइजर ये कंडक्टर के थ्रू इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडक्टर के जरिए इलेक्ट्रॉन्स भेजे जाते हैं, यानी वोल्टेज भेजे जाते हैं, और पोलराइजर के थ्रू यहाँ पर डायरेक्शंस शो करती है, और जहाँ पर भी ये इनके बीच में इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, देखिए आप, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरसेक्शंस से आ रहे हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वोल्टेज आ रहा है और यहाँ से वर्टिकल वोल्टेज आ रहा है, और जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन के जरिए ये पता चलता है कि कौन से पिक्सल पर इम्यूलेशंस क्रिएट होगा, यानी कौन से पिक्सल पर ग्लो क्रिएट होगा, और इसी के साथ साथ ये इन क्रिस्टल्स में भी मूवमेंट होने लगता है, और ये मूवमेंट ग्लो क्रिएट करता है और स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, एलसीडी का थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर हम लेफ्ट या राइट साइड से देखते हैं तो हमें वो इमेज क्लियर दिखाई नहीं पड़ती, पिक्सल हमें फटे फटे से दिखाई पड़ते हैं, इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में ये लो पावर कंजप्शन का इस्तेमाल होगा, स्मॉल साइज़ में ये मिल जाते हैं और लो कॉस्ट लगती है। आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू टू मच।